एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का पहला वीडियो। तो आज हम देखेंगे वर्क के बारे में और साथ ही साथ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर हम कैसे एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। पहले दोस्तों हम करेंगे वर्क के बारे में बात। तो आप में से कितने लोग जानते हैं वर्क क्या होता है? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सभी जानते हैं वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है इसका आंसर आप बताइए। जहां तक सभी ने कहा होगा कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने किसी भी चीज पर फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस किया तो वो वर्क डन हो गया। ठीक है, यही होता है वर्क, नॉर्मल है। अच्छा, और दूसरे मीनिंग में हम कैसे वर्क कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सामने लगे रहे काम करते रहे, ये वर्क है, ये भी कहते हैं। तो वो हमारा प्रोफेशनली वर्क है, ये हमारा फिजिकल वर्क है। हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल वर्क की बात कर रहे हैं। ओके, तो वर्क हमारा क्या होता है? वर्क व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड देन we can say that the work done possible here। यहां पर हमारा work done possible हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि work done हमारा possible हो जाएगा। कब कहेंगे? जब हम कोई force लगा रहे हैं और वो थोड़ा सा displace कर रहा है। अगर displacement नहीं होगा तो हमारा work done नहीं होगा। ये normal सा concept है, nth का concept। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आगे की। तो हम देखेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। याद करो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो, उधर मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में मैंने आपसे बात करी थी ऐसे प्रोडक्ट कि जहां पर ये बीच में डॉट आता है। ठीक है, जहां पर ये बीच में डॉट आता है उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात जान चुके हैं पहले ही। तो ये नॉर्मल सी बात है, नहीं आता इसका कैलकुलेशन करना तो ऊपर डाल दो क्या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एजुकेशनल आरवीएस आपको मिल जाएगा सबसे पहले नंबर पे। तो अभी बात करते हैं इसके आगे की। फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया ये होता है, और इसे अगर हम नॉर्मल फॉर्म में कहें तो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कहें तो मार्कर चेंज करके कहते हैं क्या कि एफ एस कॉस थीटा, ये हम कह सकते वर्क डन, जहां पर एफ क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, हमारा एक और फॉर्मूला आ गया, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो इन्हें अप्लाइड कैसे करना है, एक क्वेश्चन लेंगे सिंपल सा और दो मिनट में हमारे क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, सॉरी आंसर हमारे सामने होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। तो भाई एक सवाल आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होने वाला है, तो सवाल को ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था वर्क को, तो ज्यादा इस पे बात करने की बात वैसे है नहीं, फिर भी हम देखते हैं। तो देखते ही भाई, यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है, अभी हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, डिस्टेंस 2 मीटर, जो भी सवाल लिया था उसी को लेते हैं, और फोर्स लगा 15 न्यूटन।
यही सवाल था ना, यही सवाल था। तो अभी इधर में चार पार्ट कर दूंगा इसका। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सेकेंड पार्ट में पूछूंगा मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, और तीसरे पार्ट में मैं पूछूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और चौथे पार्ट में मैं पूछूंगा नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन ये भी हम कह सकते हैं, नेट वर्क डन, या फिर मैं नेट वर्क डन की बजाय यहां पर मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, चलो फ्रिक्शन का छोड़ो, फ्रिक्शन का आगे देख लेंगे, नेट वर्क डन ही डालते हैं, नेट वर्क डन। चार पार्ट कर दिए सवाल के, इजी सा सवाल है, क्या कहा हमने इधर फोर्स लगाया, हमने इधर फोर्स लगाया, चलो ऐसे समझो ये हमारा इंक का बोतल है ना, इंक का बोतल आपको दिख रहा है, मैंने इसे फोर्स लगा के इतना बढ़ा दिया, 2 मीटर तक बढ़ा दिया, यहाँ पर रखा था मैंने फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, 2 मीटर तक बढ़ा दिया, ठीक है, 2 मीटर तक जाने के बाद ये रुक गया, यहाँ से फोर्स लगाया 2 मीटर तक बढ़ा दिया, जाने के बाद ये रुक गया, तो अप्लाइड फोर्स क्या है हमारा 15 न्यूटन, जो हमने लगाया फोर्स, राइट, अप्लाइड फोर्स हो गया हमारा 15, तो हमने फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, फोर्स लगाया कितना 15 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 2 न्यूटन, तो सवाल आधा तो यहीं पर सॉल्व हो गया, अप्लाइड फोर्स हमारा 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट लगा 2 मीटर का। तो अभी देखो इसे सॉल्व कैसे करें, पहला पार्ट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अच्छा वैसे हम कहते हैं वर्क इज इक्वल Fs, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, है ना, तो अभी यहां पर हम क्या लिखेंगे Fs cos थीटा, F कितना है 15, 2 cos थीटा 0 के 1, तो यहां पर आया 30 आंसर आया, cos थीटा 1 कैसे आया, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो हम इसे अब क्लियर एक अलग वे में डिफाइन करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक, दूसरा वाला पार्ट ग्रेविटी से वर्क डन, देखो परपेंडिकुलर हो रहा है, ग्रेविटी इधर लगेगा ना mg, और उधर 2 मीटर का फोर्स, अच्छा वर्क डन क्या होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, राइट, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये होता है हमारा Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, इसके आगे क्या होगा Fs cos थीटा, तो F कितना है हमारा 15, और 2 थीटा कितना है cos 90, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो वर्क डन आ गया 0, सिंपल सी बात ये समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है तो कभी भी कोई चांस नहीं बनता कि वर्क डन हमारा कुछ भी आ जाए, वर्क डन हमेशा 0 आएगा, या फिर ये समझ लो आप हॉरिजेंटल में अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो ग्रेविटी का, सॉरी हॉरिजेंटल में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है तो ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा 0 होगा, ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा 0 होगा। अच्छा अभी तीसरा पार्ट नॉर्मल रिएक्शन, इसे तो मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, ग्रेविटी के जस्ट ऊपर इक्विलिब्रियम में लाएगा नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा अभी ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n माइनस mg, दैट इज 0, देन n इज इक्वल mg, यही होगा इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन mg आ गया, इसके बारे में हम और कुछ कह सकते हैं क्या, इधर 15 न्यूटन हमने क्या बताया, इधर तो mg लगेगा, चलो n इज इक्वल mg, डिस्प्लेसमेंट 2 थीटा 90 डिग्री, फंस गए बाबा, क्या थीटा मेरा 90 डिग्री आ गया, थीटा मेरा कितना आया 90 डिग्री, थीटा कितना आया 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं बाबा थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, दैट्स व्हाई वर्क डन इज इक्वल 0, सीधा कह रहे। अभी बात करते हैं नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ, इधर जीरो, इधर कितना था 30, तो नेट वर्क डन कितना आया 30, अच्छा इसका वो क्या होता है, इसका SI यूनिट जूल, 1 जूल इज इक्वल न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो गए हमारे छोटे छोटे से डेरिवेशन, तो अभी देखते हैं वर्क डन के बारे में कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट्स।
तो इस सबको इरेज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपका हो गया होगा आई थिंक, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी था। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे 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 देखो होता है क्या। पहला पॉइंट हैशटैग #1, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अगर थीटा हमारा जीरो होगा, अगर थीटा हमारा जीरो होगा इसका मतलब क्या, जहां पर फोर्स लग रहा है ना, जहां पर फोर्स लग रहा है वहीं पर वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब क्या, जहां पर फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कह लूं मैं, वर्क की डायरेक्शन नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और इज इक्वल टू, फोर्स की डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये बात नोट में डाल लो क्या, कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इज इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब हमारा थीटा जीरो का होगा। थीटा जीरो का मतलब कॉस थीटा बराबर वन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स का फॉर्मूला बन गया, फोर्स का क्या वर्क डन का फॉर्मूला बन गया एफ एस, ठीक है एफ एस। पॉइंट नंबर टू, परपेंडिकुलर की बात कर, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारा वर्क हमेशा हमारा जीरो होगा, वर्क हमेशा हमारा जीरो होगा। मतलब अगर हम कह लें, मतलब अगर हम कह लें तो हम कह सकते हैं बाबा कि फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इज 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन इज 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर लगाते हैं जो है 180 डिग्री का, अगर हमारा थीटा हो 180 डिग्री, ये आपको ज्यादातर फ्रिक्शन में देखने को मिलेगा 180 डिग्री का थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, देन फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और यहां पर जो हमारा वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात याद रखना, नेगेटिव होगा और वो भी होगा एफ एस, ठीक है, नेगेटिव एफ एस। तो अभी देखते हैं इस वाले पॉइंट को, ये जो हम अभी वाले एग्जाम्पल में करके आए थे, अभी हम बात करते हैं फ्रिक्शन वाले की। तो देखो आपको विजिबल तो है ना, वो होना भी चाहिए। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर, नंबर वगैरह कोई नहीं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है क्या, कि यहां पर हमारा कोई ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपल रखा हुआ है, रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको आगे फड़ा दिया, तो यहां पर ले गए, ठीक है, तो हम इसे यहां पर ले गए, और ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, इसका मास मान लो 20 है, ठीक है, इसका नाम, इसका मास 20 है। और अगर हम बात करें फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, यानी कि म्यू इज इक्वल 0.02 है, ठीक है, म्यू कितना है 0.2। वहां तक लेकर के गए, और लेकर के गए बाबा 2 मीटर दूरी, 2 मीटर की दूरी पर। तो अभी वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा, इंक डालना पड़ेगा, चलो पॉज करता हूँ। तो हाँ क्या था, 2 मीटर, चलो 2 मीटर बार बार क्यों लें, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20 किलोग्राम का हमारा ब्लॉक है, 20 किलोग्राम का हमारा ब्लॉक है, म्यू लग रहा है 0.2। तो हमारा फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन 20 किलोग्राम नहीं ग्राम लेते हैं, चलो किलोग्राम ग्राम एक ही बात, फ्रिक्शन कितना हुआ, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। यहां देखो ग्रेविटी कितना है, एम जी,
यानी एम जी मतलब 200, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 200। ऊपर कितना है एन, तो एन माइनस 200 इज इक्वल जीरो, इक्विलिब्रियम में है। नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, 6-7 मिनट में खत्म किया हुआ है, चैनल पर कवर्ड है, जाकर के देख लो, ऊपर डाल दो इक्विलिब्रियम सरफेस स्टडी, आपको सॉरी एजुकेशनल आरबीएस आपको 2 मिनट में दिखा देगा। तो एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया 200। तो हमारा फ्रिक्शन कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, म्यू कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 200, मतलब ये आया 2×4 40, तो ये आया हमारा 40 न्यूटन। कितना आया फ्रिक्शन, कितना आया 40 न्यूटन। ये हमारा फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो हमने अभी ये तो बात करी नहीं कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट कितने वोल्ट से हुआ, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ ये डिस्प्लेस हुआ मान लो 60 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है 60 न्यूटन के फोर्स से। तो जो हमारा यहाँ पर अब एफ लिमिटिंग है वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्लियर है। हाईएस्ट फोर्स लगेगा, हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे रोकने के लिए। फ्रिक्शन किसका होता है, फ्रिक्शन किसे अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। वो देख रहा ये भाग रहा तो इसे पकड़ के पीछे खींचो ना, है ना। तो अभी इसके पास इतनी ताकत तो है नहीं कि उसे रोक सके, इसकी इतनी औकात नहीं है उसे रोक सके, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो, फालतू में थोड़ी ना लगा रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा, हमारा फ्रिक्शन क्या करेगा, उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कहां निकल के जाएगा, तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा जो कि है उसकी 40 न्यूटन। तो बात करनी है हमें फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, फालतू की बात छोड़ते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है, फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, क्लियर है, देख लो 180 का फासला है, इधर की तरफ लगेगा ना फ्रिक्शन को, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को कौन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हमारा वर्क डन कितना आया फ्रिक्शन के द्वारा, एफ कितना है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। अच्छा कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया 5 4 200 जूल। क्वेश्चन यहीं पर हुआ सॉल्व, और ज्यादातर का वर्क डन का कंसेप्ट भी यहीं पर सॉल्व हुआ। इसके आगे आपसे कोई सवाल मुश्किल ही पूछा जा सकता है जो आपसे रह जाए। अभी हम बात करेंगे स्प्रिंग का वर्क डन कैसे, स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग के वर्क डन से पहले आपको स्प्रिंग का फोर्स पता होना चाहिए, स्प्रिंग का फोर्स। एनएलएम में वीडियो नहीं कवर किया था हमने स्प्रिंग के फोर्स के बारे में, तो इस बार हम वीडियो कवर करेंगे और इधर स्प्रिंग का फोर्स डेराइव करेंगे, ओके स्प्रिंग का फोर्स डेराइव करेंगे। तो स्प्रिंग का फोर्स देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारा एक दीवार है और ये हमारी धरती माता है, और यहां से हमारा जा रहा स्प्रिंग, लगा हुआ है ब्लॉक, है ना, ब्लॉक यहाँ पर है। अभी हमने इसे खींचा, खींचा तो कितनी दूर जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा दूर चला गया, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए एक्स है, तो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो अभी यहां पर जो हमारा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, माइनस के एक्स। बात क्या आई, फोर्स कितना आया माइनस के एक्स। निकालना क्या है, वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स निकल आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है एस बराबर एक्स, ठीक है, एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, एस बराबर एक्स। तो अभी हम क्या करें, तो अभी हमें क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन में, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन में। तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कितना होता है दोस्तों, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है एफ इंटू डी आर, आई थिंक यही होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, राइट, एफ इंटू डी आर। तो यहाँ आर तो है नहीं, एक्स है, इसलिए डी एक्स, ठीक है, इतना देख लिया।
डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। अच्छा तो अभी एफ की जगह माइनस के एक्स रख दो, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन कितना आएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, यही होगा ना इंटीग्रेशन के एक्स स्क्वायर टू, हाँ यही होगा। तो वर्क डन आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू क्यू क्यू टू। अभी आप x की जगह पर x1 x2 की लिमिट लगा करके देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, माइनर चेंज, छोटा सा। क्या चेंज होगा ये आएगा, करके देख लेना, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए नहीं छोड़ रहा, इसलिए उसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट x2 माइनस x1 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर स्क्वायर। तो ये था हमारा पूरा स्प्रिंग का फोर्स। इंटीग्रेशन में क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, बताओ 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 बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, एफ डॉट डी आर, डी आर क्या छोटा सा, डी आर क्या छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस। तो चलो ये तो आपकी बात रही, खत्म हुई वर्क डन की कहानी। अभी तो और भी बची है वैसे कहा जाए तो ग्राफ के बारे में, वर्क डन ग्राफ पर कैसे फाइंड करते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट्स आ रहे हैं और ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है वर्क डन। इसके आगे अभी हम और कोई कंसेप्ट नहीं लेंगे वर्क डन का, फिर हम बात करेंगे सीधे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। इस तरीके का क्यों हमारा ये सीधा सीधा बनता है ग्राफ पर। चलो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से जा रहा, ठीक, इस तरीके से जा रहा, किस किस के बीच का ग्राफ है, एफ और एक्स का है ना, एफ एक्स ग्राफ है, एफ एक्स, एफ एक्स ग्राफ। तो हमें फाइंड क्या करना होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस है ना, ऐसे तो हम कहते हैं, बट हमें फाइंड करना होगा इधर ये पूरा एरिया ट्रायंगल का एरिया। तो हमारा यहाँ पर वर्क डन निकल गया। तो ये छोटी सी ही ये प्रॉब्लम थी, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के। जरूरी है हर जगह ट्राइंगल हो, किसी जगह रेक्टेंगल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो आप जैसा कंडीशन दे रहा है सवाल उस तरीके का कर सकते हो, जैसे जैसे कि अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं, आगे देखो। मतलब करना क्या, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसके किसके अंडर में, ये याद रखना, ये याद रखना किसके अंडर में एरिया निकालना है आपको, एक्स के अंडर, एक्स के अंडर में एरिया निकालना है। तो लिख देता हूं, तो वर्क डन कितना होगा, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ अंडर एक्स एक्स, ठीक है, ठीक है ना। चलो अभी अगला देखो, अगला आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, क्या बहुत सिंपल है, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो यहां से यहां तक लगता है, ये लग गया, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी मान लो यहां से यहां तक लगता है, ये लग गया, ठीक है, ठीक। तो वर्क डन इसका वन हो जाएगा, इसका भी वर्क डन वन हो जाएगा, स्टार ले लेते हैं चलो इधर। तो अभी मैंने इसे यों करके वर्क लगा दिया, इसे यों करके लगा दिया फोर्स को, तो ये हमारा वर्क डन टू, ये हमारा वर्क डन थ्री, यहाँ पर भी मैंने यों करके लगा दिया, यहाँ भी यों करके लगा दिया, तो यहाँ पर वर्क डन टू, यहाँ पर भी वर्क डन थ्री, स्टार लगा लो अलग दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये तो रही बात वर्क डन वन टू थ्री की, अभी ये बताओ जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं ना वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या क्या बात सुनी, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन पर पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, हमारा वर्क डन इज इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा,
इसका जो है वो वर्क डन टू बराबर वर्क डन वन बराबर वर्क डन थ्री, ठीक है। इस चीज के कारण मतलब ये चीज जहां भी मिल जाएगी अलग अलग पाथ से अगर वो जा रहा है और उसका वर्क डन सेम है तो वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। और जबकि इधर ये चीज नहीं होती, वर्क डन हमारा वन डजेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारा टू डजेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारा थ्री विद स्टार, ठीक है, ये चीज इसमें नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बात थी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेटिव के और नॉन कंजर्वेटिव के। इधर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि जनरली आपको यूज करना है, इधर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे इसका एक और एग्जाम्पल आपको ये यूज में आ सकता है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो है हमारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि चार फोर्सेस दे दिए बताओ इनमें से कंजर्वेटिव कौन सा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो आप उधर से निकाल लोगे इस तरीके से, ये दो नाम कभी भी दिख जाए या फिर ये नाम कभी भी दिख जाए। और इसका एक और एग्जाम्पल है विस्कोसियस फोर्स, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहेंगे इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना। तो चलो आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और वीडियो को भी यहीं पर बंद करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है आई थिंक वर्क डन पर, हो सकता है यूट्यूब का सबसे बड़ा वीडियो हो, वैसे मुझे नहीं लगता। चलो अगला वीडियो देखो, सॉरी अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास एक पेंडुलम, हमने ये यहां तक पहन, ये हमारा थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनरल आप ऐसे करोगे बट मैं कहता हूं ऐसे मत करो। यहां पर आपका ये पेंडुलम आपके पास ये है, पहले से सीधा लेके जाओ फिर इसे ऊपर इतना ले जाओ, जितना भी ऊपर वो गया है इतना ले जाओ। तो एक बात हमें से याद रखना, वर्क डन जो होता है हमारा वो हमेशा mgh के बराबर होता है, किसमें, ग्रेविटी के टर्म में, ठीक है, ग्रेविटी के टर्म में ही हमारा mgh के बराबर होता है। उसका रीजन क्या है, वर्क डन हमारा एफ इंटू एस होता है, वेक्टर लगा लो, ठीक है। तो वर्क डन हमारा है एम ए एस, यहाँ पर एस हमारा एच होता है और जी हमारा वो ए हमारा जी होता है, तो हो गया ना वर्क डन बराबर एम जी हो गया। अच्छा अभी यहाँ पर देखो क्या इतना गया फिर ऊपर गया, इतना गया सिंपल फिर ऊपर चला, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम एच कह लेते हैं, इसे हम लेंथ कह लेते हैं, एल कह लेते हैं, इसे भी एल कह लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो एच होगा वो एल ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसे एक लॉगरिथम समझ लो आप कि आपको ये हमेशा यूज करना है ऐसे सवाल जब भी आ जाएंगे, एच इज इक्वल एल ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एच इज इक्वल एल ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। तो अभी बात करते हैं इसका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा दोस्तों, वर्क डन होगा हमारा mgh ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। ग्रेविटी तो हमेशा 10 रहती, एल मान लो 20, थीटा मान लो, थीटा कितना मान लो, थीटा 60 cos 60 वन बाय टू एम, और एल हमारा 20 हो गया, जी हमारा हमेशा 10 ही होता है, तो एम और निकाल लेते हैं, एम मान लो 1 है, ठीक, तो अभी निकाल लो 1 × 10 × L कितना है 20, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय टू तो कितना होगा 2 माइनस 1 यानी 1 बाय टू ही आएगा, 1 बाय टू, तो 2 से ये गया 10 टाइम्स, वर्क डन कितना आ गया 100 जूल। तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।